कभी गौर किया है? देश में अगर कोई एक कदम उठाता है तो फिर सभी उनकी दिखाई राह पर चलने लगते हैं। रामचरितमानस पर जो सियासत शुरू हुई थी उसको लेकर जब समाजवादी पार्टी की ही एक महिला नेता ने अपनी पार्टी पर सवाल खड़े किए तो पार्टी के लोगों ने उन्हें बिना किसी नोटिस के ही पार्टी से निष्कासित कर दिया ऐसे में एक और नेता सामने आए हैं जो सपा की दिखाई गई राह पर ही चलने का काम कर रहे हैं। दरअसल इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने नया फरमान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि संस्थान में पढ़ रहा कोई भी छात्र अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएगा, अगर दाढ़ी कटवाता है तो उसको मदरसे से निष्कासित कर दिया जाएगा। और उनके इसी फरमान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हैं, जो फतवे का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य तनवीर रिजवी हैं, जो इस फतवे का लगातार विरोध कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मदरसे की नियमावली से किसी प्रकार का ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह के बयानों को तूल नहीं देना चाहिए। गौरतलब है कि तनवीर रिजवी का यह बयान उस समय आया जब दारुल उलूम देवबंद ने मदरसों में दाढ़ी कटवाने पर निष्कासन का फतवा जारी किया। आपको बता दें कि तनवीर रिजवी अपने दौरे के सिलसिले में संभल पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना हुसैन अहमद के बयान पर कहा कि ये आलम-ए-दीन का बयान है। उन्होंने किस सूरत में और किस मकसद से यह बयान दिया है ये तो वो खुद जानते होंगे। मेरा मानना है कि इस तरह के बयानों पर बहुत ज्यादा चर्चा करना और उसको विषय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये आलम-ए-दीन का बयान है, उन्होंने किस सूरत में और किस मकसद में ये बयान दिया है ये वो खुद जानते होंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के बयान पे बहुत ज़्यादा चर्चा करना और उसको विषय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको अपने मदरसे में जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं वो कितनी अच्छी शिक्षा लें और क्वालिटी वाली शिक्षा लें, आगे वो बढ़ें, कामयाब हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने मौलाना हुसैन अहमद के बयान का जो समर्थन किया है उस पर तनवीर रिजवी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मेरा मानना है कि दाढ़ी व्यक्तिगत सरोकार है, जिसका मन है वो रखे और जिसका मन नहीं है वो नहीं रखे। अब तो दाढ़ी रखने का फैशन बन गया है, गैर मुस्लिम भी अब दाढ़ी रखने लगे हैं। मुझे लगता है कि दाढ़ी जो है व्यक्तिगत सरोकार है, जिसको मन हो वो रखो, जिसे ना मन हो वो ना रखो। आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिकेटर भी दाढ़ी रख रहे हैं और उनकी नकल में जो है बहुत सारे मसलकों के लोग जो है दाढ़ी रख रहे हैं। जो दीन धर्म की तो बात आप अलग कर दीजिए, जो गैर मुस्लिम है वो भी दाढ़ी रख रहा है, ये तो फैशन है, आज का युवा दाढ़ी रख रहा है। लेकिन जिस तरह से सपा सांसद ने जो बात कही, उनका मामला देखिए, सपा का मामला ये है कि उनको बात को घुमाना है और कहीं ना कहीं उनको ये जताना है कि हम मुस्लिम प्रो हैं, हम मुस्लिमों के बड़े हितैषी हैं, तो वो इस चीज़ को हो सकता है उनका हथियार हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी इस पे जो है बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं देगा क्योंकि हम लोग जो है ये जानते हैं कि ये देश हमारा है और जनता हमारी है, हमारा सिस्टम ऐसा हो कि जो जनता को जो है कहीं ना कहीं एक कामयाबी की तरफ ले जाए, तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। तनवीर रिजवी ने मौलाना हुसैन अहमद के बयान को निजी बताया और आगे कहा कि उन्होंने अपनी सोच के अनुसार बयान दिया होगा, मैं उनके बयान को लेकर कुछ नहीं कहूंगा। सपा सांसद डॉक्टर बर्क का मौलाना हुसैन अहमद के बयान का समर्थन करना उनका अपना निजी बयान है, लेकिन मदरसा बोर्ड का सदस्य होने के नाते मेरा कहना ये है कि इस तरह के बयानों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। तो मानना आपका यह है कि मौलाना हुसैन अहमद ने जिस तरह से जो बयान दिया है छात्रों को लेकर, दाढ़ी रखने को लेकर, तो क्या उनके बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? निजी बयान है उनका, वो अपने सोच पे उन्होंने दिया होगा, मैं ऐसे बयानों के लिए क्या कहूँ। संभल के सपा सांसद को उनका समर्थन करना चाहिए उनके बयान पर? ये भी उनका निजी मामला है, उन्होंने समर्थन किया नहीं किया। मैं इस मामले में अपने आप को बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड का सदस्य होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह के व्यक्तिगत बयानों को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। हालांकि तनवीर रिजवी का ये कहना है कि मदरसा की जो नियमावली है उसमें इस तरह के परिधान जैसी चीजों को अंकित नहीं किया गया है,
इस पर कोई विषय बनाने की जरूरत नहीं है। मदरसा नियमावली में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है। इस तरह की चीजों को नहीं अंकित किया गया है, तो इस पे कोई सब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नियमावली के अनुसार जो है छात्र कुछ भी पहनकर आ सकता है, कोई या कुछ भी दाढ़ी रख सकता है या बिना दाढ़ी के भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। नियमावली में ड्रेस कोड अभी तक लाया नहीं गया है। एक तरफ तनवीर रिज़वी ये दावा कर रहे हैं कि मदरसा नियमावली में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है, मगर दूसरी ओर दारुल उलूम ने 6 फरवरी को ही दाढ़ी कटवाने पर 4 छात्रों को मदरसे से निष्कासित कर दिया।